हम लोग लकी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में ऊपर का जो घूम दार्जिलिंग का लोग है वो घर से भी नहीं निकल पा रहा है, और हम लोग यहाँ पर 220F लेके घूम रहे हैं। पूरा का पूरा आग में झुलस गया ये फैक्ट्री। सो गाइस, फिशिंग चालू है हम लोगों का। What is up guys, this is your Ashisha and welcome back to another video. So देख सकते हैं guys, आज हम लोग एकदम village trip पे निकले हैं and अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे बालासन। So बालासन से देखते हैं कहाँ होता है and just look at the view man, आज एकदम पूरा गर्मी है इधर and हाईवे से काफ़ी नीचे पड़ता है ये, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी आज लग रहा है। So पूरा मास्क वास्क लगा के हम लोग जा रहे हैं कि हम लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो आज मैं अपना 220F लेके जा रहा हूँ एंड मेरा दोस्त अनिकेत का कुछ काम था नीचे में पालासन में, तो इसलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। सो रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड ये ब्लॉग एकदम मज़ेदार एक विलेज ब्लॉग होने वाला है। सो बने रहे वीडियो के साथ, ओके। पूरा का पूरा टी गार्डन एरिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ यहाँ पर टी गार्डन ही है जो है ना। सो यहाँ से हम लोगों को सीधा लेना पड़ेगा एंड पूरा का पूरा टी गार्डन एरिया है जो कि अभी बंद पड़ा है। टी गार्डन बंद है कुछ सालों से एंड ये अभी गवर्नमेंट के अंदर में है, फैक्ट्री वगैरह बंद पड़ा है इधर का। सो अनिकेत कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत के मजा आ रहा है। सो जस्ट लुक एट द व्यू, कोई हल्ला चिल्ला नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई हॉर्न नहीं, एकदम शांत जगह है। एंड ये जो पीछे में देख रहे हैं आप लोग, ये संतरा का पेड़ है। मैं थोड़ा नजदीक से आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड यहाँ पर संतरा का खेती होता है। ये सारा का सारा संतरा है, अभी सीजन नहीं है तो पूरा अभी नया यहाँ से लीव्स आना चालू हो गया है एंड इतना गर्मी है कि यहाँ पर मतलब संतरा का खेती सिंबल एक होता है जो खाया जाता है वो, उसका खेती मतलब बहुत सारा है यहाँ पर एंड यहाँ से जो जितना भी जो कुछ दिख रहा है। सो हम लोगों को अभी उधर वो जो बीच वाला ऐसे पहाड़ है वहाँ जाना पड़ेगा एंड ऊपर से पूरा डाउन दिख रहा था, अभी पूरा एकदम ऊपर ऐसे ऊपर दिख रहा है। सो यप, यहीं पर हम लोग रहते हैं एंड वी आर सो ब्लेस्ड मैन, हम लोग लकी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में ऊपर का जो घूम दार्जिलिंग का लोग है वो घर से भी नहीं निकल पा रहा है, और हम लोग यहाँ पर 220F लेके घूम रहे हैं ना। सो यप, चलते हैं अभी, दिखाते हैं रास्ते में जो कुछ भी आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड लेट्स गो। मुको दो चलो ना।
सो गाइस अभी हम लोगों को बहुत ही डेंजर वाला ऑफ रोड मिलने वाला है यहाँ से। सो गाइज राइट नाउ वी हैव रीच्ड तुंगसुंग एंड ये जो पीछे में आप लोगों को दिख रहा है ये यहाँ का चाय का फैक्ट्री हुआ करता था आज से 5-6 साल पहले। हाई 10 साल 7-8 साल आज से 6 या 7 साल पहले ये यहाँ का बहुत ही बड़ा एक चाय का फैक्ट्री हुआ करता था। सो ये यहाँ का जो टी गार्डन है वो मैंने जैसे कि बोला बंद पड़ा है। सो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ का टी फैक्ट्री भी बंद हो गया एंड उसके बाद से ये ऐसे पड़ा था, लेकिन कुछ एक या डेढ़ साल पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा आग लग गया। सो अभी इसका हाल आप देख सकते हैं कैसा हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा अंदर से। सो ये ब्रिटिशर्स के ज़माने से ये फैक्ट्री हुआ करता था एक समय पहले एंड जस्ट लुक एट दिस मैन। मैं थोड़ा कैमरा टिल्ट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरा का पूरा आग में झुलस गया ये फैक्ट्री एंड बहुत ही यार बहुत दुख की बात है। सो बहुत ही एक मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ये फैक्ट्री हुआ करता था यहाँ पर एंड अभी सारा मशीन्स अंदर का एंड जितना भी लोहे का बना हुआ सब मतलब टेढ़ा मेरा होके रखा है एंड पूरा का पूरा जैसे यहाँ पर बहुत ही भयंकर आग लगा था। हम लोग ऊपर से भी इसको देख पा रहे थे। सो ये था यहाँ का एंड जस्ट हैव अ लुक मैन कितना बड़ा फैक्ट्री था ये। ओके गाइस सो फाइनली वी हैव रीच्ड तुंगसुंग एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर साइड। सो अनिकेत एंड और भी है जस्ट हैव अ लुक। सो गाइस जब बारिश आता है तो यहाँ पर जोरदार मतलब इसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है एंड वो पहुँच के इधर ऊपर तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर फिशिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है एंड कुछ देर में हम लोग फिशिंग भी करेंगे। सो मुझे उस तरफ जाना है, इधर से ले लेता हूँ, मुझे सेफ खेलना है क्योंकि मैं चप्पल वप्पल कुछ नहीं लाया। अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर स्विमिंग करने वाले हैं। वैसे मुझे स्विमिंग करना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत एंड अभी यहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम है। जब बारिश आता है तो ही यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है
एंड वो जो बड़ा बड़ा चट्टान वगैरह है वो पानी के अंदर रहता है यहाँ पर। भाई मेरा शूज़ जो है वो गीला होने वाला है क्योंकि मुझे इधर से जाना पड़ेगा। पहला अभी हम लोग यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आए हैं एंड मेरा जो GoPro था उसका थोड़ा बैटरी ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग मैं अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड अभी पूरा लंच वंच हो गया है एंड आई होप आप लोगों को सिनेमैटिक अच्छा लगा होगा। तो देख सकते हैं इधर में फिशिंग हो रहा है एंड फिशिंग का कोई प्लान नहीं था एक्चुअली, बट हम लोग आए हैं तो सोचे कि क्यों ना थोड़ा फिशिंग भी कर लिया जाए, ट्राई कर लिया जाए। सो गाइस फिशिंग चालू है हम लोग का। बोले मारे खास पकड़ी जाऊ आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से फिशिंग वगैरह करके सीधा जाएंगे घर एंड फिशिंग चालू है इधर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड आउट राइड सेफ एंड गो टू।